A very good morning, students. Hope you all good. Class 8 students. So we come back to again to our start with a new chapter. Chapter 4, Intelligent Animals. तो आज का हमारा chapter है Intelligent Animals. So start करते हैं बच्चों. Warming up. Animals or also have brain. जैसे कि लोग कहते हैं कि animals के पास brain होता है नहीं होता है, लेकिन नहीं. Animals also have brain. They too have mind like human beings. Do you know which are the smartest and the most intelligent animals? Let's know about them. तो यहाँ पे बात हो रही है, do you know which are the smartest? Smart मतलब कि जो बहुत smartly, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ थोड़े से कम और कुछ उससे भी कम. तो वैसे ही एनिमल्स में भी कैटेगरी हैं. कुछ एनिमल्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं, कुछ लेस और कुछ थोड़े लेस. एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, लेट्स नो अबाउट देम. सो स्टूडेंट्स, पहले मैं रीड करूँगी और बाद में समझाऊँगी. तो प्लीज़ मेरे स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा इट्स टू मच टू मेक दिस वीडियोज एंड सेंड यू ऑल. प्लीज स्टूडेंट, आई वुड बी हैप्पियर इफ यू गिविंग मी रिस्पॉन्स एंड स्टडी ऑन, प्लीज. सो लेट्स रीड. एनिमल्स लवर्स कैनॉट एग्री ऑन दिस क्वेश्चन. एनिमल्स के जो लवर होते हैं कैनॉट एग्री ऑन दिस क्वेश्चन. विच इज द स्मार्टेस्ट एनिमल, ये लोग एनिमल्स के जो लवर है वो एग्री नहीं कर पा रहे कि कौन है. द डॉग लवर्स विल से द डॉग, जो डॉग से प्यार करते हैं वो डॉग बोलेगा. कैट लवर्स विल से द कैट. हॉर्स ओनर्स मे से द हॉर्स. इट इज हार्ड टू टेल बट साइंटिस्ट हैव डन एक्सपेरिमेंट्स टू ट्राई टू मेजर इंटेलिजेंस इन एनिमल्स. Animal experts such as zookeeper, trainers, wildlife sanctuary have conducted a study on the smartest animal. They say that many animals are able to learn to do things. Some of things they do such as hunting together prove them to be very clever. तो बेटा इसमें ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि एनिमल लवर्स कैन नॉट एग्री ऑन दिस क्वेश्चन, कि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है विच इज़ द स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट एनिमल. तो जो डॉग को लव करता है वो डॉग का नाम लेगा, ठीक है, और जो कैट को लव करता है वो कैट का, हॉर्स को जो लव करता है वो हॉर्स का. बट साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है बाय द एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है कि सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल एक्चुअल में है कौन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. दीज एनिमल्स आर सेड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट कौन है? किंग वेलर वेल, बॉटल नोज डॉल्फिन, चिंपैंजी, ओरंग आउटांग. इसकी स्पेलिंग में फिर से ध्यान से बताना चाहूँगी. ORANG, ओरंग आउटांग, एलिफेंट, गोरिल्ला, बीवर, डॉग, बियर, हॉर्स एंड फॉग. तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंट एनिमल्स. लायंस आर अ गुड एग्जाम्पल. लायन भी अच्छा एग्जाम्पल है. लायंस वर्क टूगेदर टू हंट एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस. दे लर्न टू डू दीज थिंग्स एज कब. लायंस को गुड एग्जाम्पल माना जाता है क्योंकि वो अपने सारे काम को खुद करते हैं. लायंस आर नॉट इंटेलिजेंट एनिमल. They do not show any real thinking. Animal that thinks can solve problem and learn new things. King whales and dolphins can easily be trained. तो actually में यहाँ lions की बात हो रही है कि lions is a good example. Lion work together to hunt and look after their young ones. तो lion, हाँ lion is a good animal कि वो hunt करता है और अपने young ones की देखभाल भी करता है. They learn to do things as cubs. तो वो अपने काम भी खुद करता है. Lions are not, लेकिन कहते ठीक है, भले ही lion एनिमल अपना काम खुद करते हों लेकिन वो इंटेलिजेंस के कैटेगरी में नहीं आते हैं. आर नॉट इंटेलिजेंस एनिमल्स. दे डू नॉट शो एनी रियल थिंकिंग, क्योंकि वो कोई रियल थिंकिंग को शो ऑफ नहीं करते हैं. एनिमल्स दैट कैन थिंक कैन सॉल्व प्रॉब्लम लर्न न्यू थिंग्स.
किंग व्हेल्स एंड डॉल्फिन कैन इजिली बी ट्रेन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो से कि ये जो किंग व्हेल्स और ये डॉल्फिन होती हैं ये बहुत ईजिली ट्रेंड हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि हम जो एनिमल्स जो बहुत ईजिली ट्रेंड हो जाते हैं उन्हें हम इंटेलिजेंट मानते हैं। तो वैसे ही वो बच्चे जो क्लास में एक्टिव रहते हैं, स्मार्टी रहते हैं, और जो जैसे कि मैं एक क्लास 8 की शैलजा मिश्रा है, शी इज़ अ गर्ल जिसकी मैं बात करूँगी, वो शी ऑलवेज गिव रिप्लाई। क्लास में इतने बच्चे हैं, ऐसा ही क्यों कि उसी बच्चे का नाम मुझे याद हो गया है, कुछ तो कैपेबिलिटी होगी ना। तो बाकी सब बच्चे जो सो रहे हैं अब वो भी जाग जाएं और जागते जागते मुझे अपना काम भेजने लगे। और इसको लर्न रीड करिए, समझिए जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है? थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।